इंदु मल्होत्रा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सभी जज मौजूद रहे। गाजियाबाद के मदरसे में नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में लड़की 17 साल के लड़के के साथ जा रही है, हालांकि तमाम चीजें अभी भी जांच का विषय है। दिल्ली के गोकलपुर इलाके में एक नाबालिग ने 5 साल की मासूम के साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। नाबालिग मकान मालिक का नाती बताया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट की दर में कटौती को लेकर विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि पेट्रोल में 12% और डीजल में 10.5% वैट की कमी करें। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल के ऐलान के साथ ही मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई और मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने यमुना विहार के एक बिजनेसमैन को बिजली चोरी के जुर्म में 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई है। दिल्ली सरकार द्वारा ऑटो किराया बढ़ाए जाने से पहले ही ऑटो ड्राइवरों में इसको लेकर बहस बढ़ गई है। दोनों हिस्से अपने अपने तर्क रखकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक 45 साल के अधेड़ की 3 युवकों ने ईंट से मार मारकर हत्या कर दी। लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे, न किसी ने हत्यारों को रोका और न ही किसी ने अस्पताल ले जाने तक की जहमत उठाई। बीमार पति के लिए तेल लेने गई महिला से किशोर ने पैसे के बदले कुछ सामान देने का लालच देकर सोने के कुंडल और अंगूठी ठग ली। बाद में जब महिला ने देखा तो सामान की जगह कंकड़ और पत्थर मिले। राजधानी में मेट्रो की पहल के बाद अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने फ्लाईओवरों के पिलर पर वर्टिकल गार्डन बनाने का फैसला किया है। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक युवक को कर्ज में दी गई रकम मांगना भारी पड़ गया। कर्जदार युवक ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में उसे जीटीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो ईडब्ल्यूएस लिस्ट में शामिल सभी छात्रों को दाखिला दे। सरकार का निर्देश इस शिकायत के बाद जारी किया गया है कि लिस्ट में नाम होने के बावजूद कुछ स्कूल बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अलग अलग विभागों के चल रहे प्रोजेक्ट की एलजी अनिल बैजल ने समीक्षा की। एलजी ने 11 पायलट कॉरिडोर पर यातायात की सुगमता के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की बैठक की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में महाराष्ट्र के गोंडवाना इस्पात लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशक अशोक डागा को दोषी करार दिया है। मॉडल टाउन में 2 सगे भाइयों के झगड़े में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पार्किंग विवाद में पहले बड़े भाई ने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई। समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट ने 1 मई को इन याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुसलमानों के लिए अच्छी खबर है। जुमे यानी शुक्रवार के दिन सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए 1 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मामले में आप नेता कुमार विश्वास को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले पर कुमार विश्वास को छोड़कर केजरीवाल सहित अन्य नेता पहले ही माफी मांग चुके हैं। एनएसयूआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 दर्जन से अधिक कॉलेजों में महिला सुरक्षा को लेकर सर्वे किया। इस सर्वे में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के 810 छात्र और छात्रा सर्वे में शामिल हुए। इस सर्वे के मुताबिक 4 में से 1 छात्रा यौन हिंसा का शिकार है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने रेप किया। आरोपी ने मुंह बोली मौसी के साथ मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। महानायक अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत के दूत हैं, लेकिन भाजपा नेता और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर नरेंद्र चावला ने अमिताभ को कहा कि वो गुटखा और पान खाकर गंदगी फैलाने वाले इंसान हैं। केरल की रहने वाली एक युवती ने वर्ष 2001 में अपनी मां की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी। इतना ही नहीं, वो इसके उपचार के लिए अपने पति के साथ ठग बन गई।
बीजेपी प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया ने कुछ वकीलों और राजनीतिक दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भरी बातें कहने का मामला चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा। कोर्ट ने उनकी अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई का आश्वासन दिया है। मंगोलपुरी में कहासुनी के दौरान हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा। आरोपी विनोद की तलाश में पिछले 72 घंटे से पुलिस टीम लगी हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर सुहेब इलियासी को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी दूसरी पत्नी की बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। सुहेब इलियासी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।